पूरे पर कब्जा चाहते हैं, ठीक ना, है? कि मैं वहां पर अपना दफ्तर बनाऊंगा, किस चीज का दफ्तर, समग्र शिक्षा का, ठीक ना, वहां बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे नहीं पढ़ेंगे, मैं बैठूंगा कुर्सी लगाकर। क्या मलिक जी ने उस कमरे में करना क्या? अब वो जाने उनका काम, आठ पीरियड है तो आठ पीरियड में कितने पीरियड वो पढ़ाएंगे और कितने पीरियड। हाँ, अब उनसे पूछिए, यही चीज हम सर चाहते थे कि बुलाओ आप उनको यहाँ पे, सर हम यही कह रहे थे कि उन टीचरों को यहाँ पे बुलाए। एक मिनट, अब मलिक सर बोलिए, आपने उस रूम का क्या करना था? मुझे उस रूम की कोई जरूरत नहीं थी, और जो ये कहानी अपनी बातें उसमें डाल रहे हैं, ये सारी की ये बताइए मलिक जी, भगवान की सौगंध खाइए, ये भगवान शंकर की सौगंध कि आप मलिक, वो जो है वंदना मैडम रो नहीं रही थी, अरे कोड़ फूट जाएगी तुम्हें, जितना झूठ बोलोगे इतना और मैं ब्राह्मण हूँ और इतना झूठ बोलोगे ना, श्राप देता हूँ तुम्हारे शरीर में कीड़े पड़ेंगे, इतना झूठ मत बोलो, ये भगवान का है मेरे पास कवच। मलिक सर को अपनी बात करनी है, हमको ये जानना है कि मलिक सर को वो रूम क्यों चाहिए था? एक मिनट, सर बोलिए ना, आपको रूम क्यों चाहिए था? बंधन बंधन में उठ जाएंगे, कोई बात नहीं, बोलिए फैसला निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं, आप बोलिए, प्लीज बोलिए। एक मिनट बोलिए, अब एक कुर्सी लेने लग रहा है, सर आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आराम से आओ, आ जाओ, आ जाओ, लिया लिया लिया, अरे एक मिनट बात, अरे नहीं सर, धन्यवाद सर, जो आप अफगान हमारे पीसी अध्यक्ष चले गए हैं, साथ में गुसाई जी और सभी सम्मानित शिक्षकगण, जो ये हमारे प्रभारी पर जाना चाह रहे हैं, ये आधी बातें उसने झूठी डालने हैं और इस तरीके से मॉडिफाइड करने हैं जैसे मैं ही दोषी हूँ, ये बात नहीं सुनने देंगे, जब भी बात सच्चाई की आए नहीं पाऊंगा, जब तुम एक बोल रहे हो झूठ, दूसरा बोल रहे हो झूठ, तो हम किस पर यकीन करेंगे? देखो भाई, यही तो हमें परेशान कर रहा है ना, मौत मरेगा और मेरे शरीर में कीड़े पड़ेंगे।